सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार जो हम लोग हैं अभी वो पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और जो उनका स्टैंड है वो हम लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। अब बिहार में यह मांग उठने लगी है कि शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए। यह मांग सरकार के ही सहयोगी दल बीजेपी के विधायक अब यह मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी पूरे तरीके से बिहार में विफल है, ऐसे में इसे लागू कर देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के एक और विधायक ने यह बात कह दी है कि इसको लेकर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करें। इसी को लेकर जब आज हमने बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू से बात की, उन्होंने साफ तौर पर अपने विधायकों को की मांग को खारिज कर दिया है और कहा है कि हमारी एनडीए की सरकार जो है और जो हम लोग बीजेपी के लोग हैं वो पूरे तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री नीरज कुमार बबलू, पहले आप वो सुने। देखिए, विधायक लोग जो बोल रहे हैं उनकी अपनी इच्छा होगी, उनके अपने मन की बात होगी तो वो बोल रहे हैं, वो ऑथेंटिक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार जो हम लोग हैं अभी वो पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और जो उनका स्टैंड है वो हम लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और बिहार में शराबबंदी लागू हुई तो अच्छी बात है, इसको पालन होना चाहिए इसका अच्छी तरह से, इसमें कहीं कोई। सर, बीच में विधायक अलग अलग इस तरह का बयान देते हैं, तो ये लगता है इससे भिन्नता आती है? और देखिए, इसमें भिन्नता की कोई बात नहीं, विधायक हमको लगता है कहीं ना कहीं या कोई वर्कर बोल देते हैं तो उनके ऊपर पूछा जाएगा क्या इशू है, नहीं है, आपने क्यों ऐसा बोला, लेकिन ऐसा हम नहीं समझते हैं कि उनको बोलना चाहिए। पर इसमें कई लोगों ने एतराज जताया, ये एतराज वाला बात तो जरूर है, लेकिन जब जब भी जहां कहीं महिला की जांच हो या फिर इस तरह का कहीं कोई आता है तो महिला पुलिस के साथ जांच हो, जब रिपोर्ट मिलती है तो जांच होनी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन महिला पुलिस के साथ जांच होता तो ज्यादा बेहतर होता। हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए होंगे, इस पर जरूर इस पर कार्रवाई। तो आपने साफ तौर पर सुना बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का कहना है कि हमारी पार्टी पूरे तरीके से शराबबंदी कानून का समर्थन करती है। वही आपको बता दे कि बीते दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पुलिसकर्मी होटल में छापेमारी करने जाते हैं और महिलाओं के कमरे में बिना महिला कांस्टेबल के चले जाते हैं, उसको लेकर भी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस को कहीं ना कहीं अपने रवैये को चेंज करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको खुद ही संज्ञान में लेकर उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीजेपी विधायकों की तरफ से लगातार यह मांग किया जा रहा है कि शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना चाहिए, बिहार में शराबबंदी को लागू करना चाहिए, तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जवाब क्या कुछ निकल कर आता है। बहरहाल, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।